डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। कल हमने बात की थी स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर एनेंशियोमर के बारे में। आज हम बात करेंगे आगे, लेकिन एक बार एनेंशियोमर को दोबारा देख लेते हैं। एनेंशियोमर क्या होते हैं? वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं, परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो, ऐसे यौगिक एनेंशियोमर कहलाते हैं। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि कार्बन क्रियल हो, अर्थात कार्बन पर चार भिन्न भिन्न समूह उपस्थित हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे दो स्टीरियोजेनिक केंद्र युक्त क्रियल व अक्रियल अणु के बारे में। क्रियल एंड अक्रियल मॉलिक्यूल्स विथ टू स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। स्टीरियोजेनिक सेंटर ही क्रियल केंद्र होता है। कार्बनिक यौगिकों के अणुओं में उपस्थित वे कार्बन परमाणु या केंद्र जिसके कारण अणु में प्रकाशक गुण या त्रिविम समाप्तता उत्पन्न होती है, स्टीरियोजेनिक केंद्र या क्रियल केंद्र कहलाते हैं। ये केंद्र वे कार्बन परमाणु होते हैं जिनकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ी रहती है। ऐसे कार्बन परमाणु को क्रियल कार्बन परमाणु भी कहते हैं। इसे स्टार के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हमने कल बात की थी कि कोई भी कार्बन है जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह या परमाणु द्वारा जुड़ी होती है, उस कार्बन को हम क्रियल केंद्र कहते हैं और इसको स्टार के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस कार्बन को स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि इसके कारण अणु के अंदर त्रिविम समानता उत्पन्न होती है। अब हम बात करेंगे ऐसे स्टीरियोजेनिक सेंटर जो दो हो, जिसके कारण स्टीरियोकेमिस्ट्री उत्पन्न होती है। जिन अणुओं में इस प्रकार के क्रियल कार्बन या क्रियल केंद्र उपस्थित होते हैं, उन्हें क्रियल अणु कहते हैं। लेकिन यदि किसी अणु में क्रियल कार्बन या क्रियल केंद्र तो उपस्थित हो, किंतु पूरा अणु असममित ना हो, अनसिमेट्रिकल ना हो, अर्थात उसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ऐसे अणु को हम अक्रियल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे अणु ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, अर्थात ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, जैसे कि मेसोटार्टरिक अम्ल। ये दो क्रियल कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें क्षैतिज प्लेन ऑफ सिमेट्री भी उपस्थित होती है, जिसके कारण पूरा अणु अक्रियल हो जाता है और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। देखिए कैसे, यह है मेसोटार्टरिक एसिड। अगर हम इसमें दर्पण में देखें तो हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। देखने में लग रहा है कि ये अलग अलग है, लेकिन इसके ये दो क्रियल सेंटर हैं, लेकिन इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, जिसके कारण इसका आधा अणु इधर घूमता है और आधा अणु इधर घूमता है, मतलब प्रकाश के तल को दोनों तरफ घुमाते हैं, जिसके कारण यह ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। और इस प्रकार जब अणु के अंदर ही एक ही आधे भाग का ध्रुवण गुणक शेष आधे भाग के समान किंतु विपरीत होता है, तो इसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिकार, इंटरनल कंपेंसेशन। यदि अणु में दो स्टीरियोजेनिक केंद्र उपस्थित हो, तो वह क्रियल और अक्रियल दोनों प्रकार के अणु बना सकता है। इस प्रकार के अणु निम्नलिखित दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, दो समान स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले अणु, दो समान स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले अणु
जैसे कि हमने मिजो टार्ट्रिक एसिड के अंदर देखा, दो किरिल कार्बन है, दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और दोनों ही क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। और दूसरा, दो असमान स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले अणु, दो असमान स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले अणु, जैसा कि हम अभी एक एग्जांपल देखेंगे। तो अभी हम पहले बात करते हैं पहले वाले प्रकार, दो समान स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले अणु। इसका मतलब ये है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर दो होंगे और दोनों जो सेंटर है उनके ऊपर जो परमाणु जुड़े हुए हैं वो सेम होंगे। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा था मिजो टार्ट्रिक एसिड का, एक बार इसको दोबारा देखते हैं, सॉरी टार्ट्रिक एसिड को देखते हैं। मिजो टार्ट्रिक एसिड तो एक इसका फॉर्म है। जैसे ये डी रूप है, अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो हमें इसका एनेंशियमर प्राप्त होगा, इट्स मीन एल रूप प्राप्त होगा, ये हो गया इसका एल रूप। और एक कंडीशन हमारे पास ये भी है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, स्टार लगा के आप शो कीजिए, ये टार्ट्रिक है, मेजर टार्ट्रिक एसिड है। इसको हम अगर दर्पण लगा के देखते हैं तो हमें कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा, ये H, ये OH, ये H, ये OH और ये COH। अब हमने बात की थी इसके अंदर ओरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, जिसके कारण ये भाग और ये भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो जाते हैं। अगर ये भाग अणु को क्लॉकवाइज घुमा रहा है प्रकाश के तल को, तो ये भाग प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इस आधे भाग के द्वारा ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी और इस आधे भाग के द्वारा ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी, लेकिन दोनों विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण कुल ऑप्टिकल एक्टिविटी शून्य हो जाएगी, इट्स मीन अणु ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहला डी रूप या डेस्ट्रो रोटेटरी रूप या प्लस रूप, टार्ट्रिक अम्ल का यह रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है। इसी प्रकार वार्मावत रूप या एल रूप या लीवियो रोटेटरी रूप, टार्ट्रिक अम्ल का यह रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा देता है। इसके बाद रेसिमिक टार्ट्रिक अम्ल, रेसिमिक इंपोर्टेंट टर्म है, परीक्षा में पूछी जाती है, रेसिमिक डिफाइंड रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर या डीएल या प्लस माइनस, इस रूप में 50% डी रूप तथा 50% एल रूप होता है, अर्थात यह डी रूप तथा एल रूप का समणुक मिश्रण है, इट्स मीन 50% तो क्या है डी फॉर्म प्लस 50% क्या है एल फॉर्म, इन दोनों का समणुक मिश्रण है। यह मिश्रण बाहरी प्रतिकार की घटना के कारण ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता है। क्यों? अगर यह डी रूप जो है यह दाईं ओर घुमाता है तो एल रूप क्या है बाईं ओर घुमाता है, और दोनों का मिश्रण है, इट्स मीन यह एक्सटर्नल कंपनसेशन का प्रकार हुआ। तो परीक्षा में या कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है रेसमिक मिश्रण जो है किस कारण से ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, तो हमें ध्यान रखना है रैक, रेसमिक मिक्सर, एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मिजो टार्ट्रिक एसिड की। पहले बात करते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन होता क्या है। यह वह घटना है जिसमें 50% डी रूप के प्रकाशी गुण 50% एल रूप के प्रकाशी गुणों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन कहलाता है। इसमें डी रूप का ध्रुवण गुणक एल रूप के समान किंतु विपरीत
द्रव्य गुणक द्वारा निरस्त हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। इसके बाद बात करते हैं हम मिजो टार्ट्रिक एसिड, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कि इसके अंदर हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, जिसके कारण इसका आधा भाग प्रकाश के तल को, समतल प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है तथा शेष बचा हुआ आधा भाग प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है, तथा ये दोनों भाग समान किंतु विपरीत ऑप्टिकल एक्टिविटी द्वारा निरस्त हो जाते हैं। इसे आंतरिक प्रतिकार कहते हैं। तो मिजो को याद रखना है, मिजो जितने भी कंपाउंड होंगे उनके अंदर इंटरनल कंपनसेशन पाया जाएगा, जिसके कारण अणु जो है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये तो थी हमारे दो स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले अणु, जिनमें दोनों स्टीरियोजेनिक केंद्र समान हो। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार पर, दो असमान स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले अणु, मॉलिक्यूल्स हैविंग टू डिसिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर। ऐसे अणु जिनमें दोनों किरल केंद्रों पर असमान समूह या परमाणु जुड़े हो, दो असमान स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले अणु, मॉलिक्यूल्स हैविंग टू डिसिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर। एग्जांपल देखिए, CH3 CH OH CH OH COOH, ये दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए। अगर इसको बीच में से देखें तो इधर OH, इधर OH, इधर COH और इधर CH3, इट्स मीन ये दोनों किरल सेंटर जो है वो है असमान है, क्योंकि इस अणु में दो असमान स्टीरियोजेनिक केंद्र उपस्थित हैं। अतः निम्नलिखित चार ऑप्टिकल एक्टिव समावेशी कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त होंगे। देखिए कैसे, सपोज कीजिए ये हमारा डी रूप है या फर्स्ट रूप है। इसका हम अगर मिरर इमेज लें तो हमें इस प्रकार की व्यवस्था जस्ट प्राप्त होगी। ये सेकंड रूप। अब हम मान के चलते हैं कि थर्ड रूप जो है हमारा वो इस पोजीशन में है। तो हमें इसका फोर्थ रूप भी प्राप्त होगा, निश्चित है। जब हम इसको मिरर इमेज में देखेंगे तो हमें ये कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर जो दोनों ही असमान है, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है। अगर हम वन एंड टू की बात करें तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, इट्स मीन ये एनेंसियोमर है। थर्ड और फोर्थ की बात करें, ये भी क्या है, एनेंसियोमर है, क्योंकि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। यदि ये डी रूप है तो ये एल हो गया, ये डी है तो ये एल हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड की और सेकंड एंड फोर्थ की, या फर्स्ट एंड फोर्थ की या सेकंड एंड थर्ड की। ये आपस में ना तो दर्पण प्रतिबिंब है ना ही बात, तो ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं डाइस्टीरियोमर या विवरिम आइसोमर। क्या बोलते हैं, विवरिम आइसोमर। उपरोक्त विन्यासों में एक व दो तथा तीन व चार ऐसे जोड़े हैं जो एक दूसरे के प्रकाशिक समावेशी भी हैं। ये बता दिया एनेंसियोमर है तथा दर्पण प्रतिबिंब भी है, अतः इन जोड़ का समणुक मिश्रण रेसिमिक मिश्रण होता है। ये डी सपोज, ये एल, अगर इन दोनों को 50-50% मिला दिया जाए तो वो बन जाएगा रेसिमिक मिश्रण। तथा एक व तीन, जैसे कि हमने लिखा एक व तीन या एक व चार, दो व तीन अथवा दो व चार, ये ऐसे जोड़े हैं जो एक दूसरे के त्रिबिंब समावेशी तो हैं
लेकिन एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, नॉट ए मिरर इमेज। ऐसे स्टीरियो आइसोमर को विवरिम समावेवी क्या बोलते हैं विवरिम या डाइस्टीरियो आइसोमर एक ही बात है बोलते हैं। तो कंपटीशन या रिटर्न एग्जाम में बार बार डेफिनेशन आती है एनेंसियोमर या डाइस्टीरियोमर क्या है एक्सप्लेन कीजिए, या आपको कुछ मिरर इमेज बताई जाएगी, कुछ अणुओं की स्ट्रक्चर बताई जाएगी और पूछा जाएगा कि इनमें रिलेशन है, क्या रिलेशन है, तो आपको मिरर इमेज के आधार पर देखना है। अगर मिरर इमेज है तो वो एनेंसियोमर है, और यदि वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है तो वो डाइस्टीरियोमर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम डाइस्टीरियोमर के बारे में क्या होते हैं। डाइस्टीरियो आइसोमर जैसा कि हमने अभी बात की थी, वे त्रिविम समावेवी जो एक दूसरे के प्रकाशिक समावेवी तो हैं, ऑप्टिकल आइसोमर तो हैं, लेकिन परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, नॉट ए मिरर इमेज। ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियो आइसोमर कहते हैं, तथा इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को विवरिम समावेवता कहते हैं, डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। यह समावेवता उन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित होती है जिनमें दो असमान, खास बात है, जिनमें दो असमान असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हो। ऐसे यौगिक चार प्रकाशिक संक्रिया अर्थात ध्रुवण गुणक समावेवी रूपों में पाए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल, क्या नाम है इसका, 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका फर्स्ट रूप है। अगर हम मिरर इमेज देखें तो COOH CH CH, इधर BR, इधर भी BR और इधर CH3, इसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ध्यान रखना। ये सेकंड फॉर्म आ गया इसका, और थर्ड फॉर्म किस प्रकार का हो सकता है, सपोज करो हमने इधर माना BR, इधर माना H, तो ये BR, ये H और ये CH3। मिरर इमेज इसका देखिए, ये हो गया थर्ड, इसका हम मिरर इमेज देखेंगे तो क्या होगा, ये H इधर आ जाएगा, ये BR इधर आ जाएगा, ये C, ये BR इधर आ गया, ये H और ये CH3। आप देखिए एक और दो एनेंशियोमर है, और इधर तीन और चार एनेंशियोमर है। ठीक है, लेकिन एक एक के साथ तीन और तीन के साथ चार, ये आपस में एनेंशियोमर नहीं है। एक के साथ थर्ड और एक के साथ चार, और इसी प्रकार सेकंड के साथ भी थर्ड और सेकंड के साथ फोर्थ, ये क्या है, एनेंशियोमर तो नहीं है क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, लेकिन प्रकाशिक समावेवी तो है ही है। इट्स मीन ये आपस में विवरिम समावेवी है। विवरिम समावेवियों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में भी अंतर होता है, निश्चित है। जितने भी डाइस्टीरियोमर हैं, विवरिम समावेवी, इनके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वे समान नहीं होती है, भौतिक व रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। जबकि एनेंशियोमर में क्या होते हैं, समान होते हैं, मेजर डिफरेंस है, तथा इनके प्रकाशिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखिए दूसरी बात क्या है, प्रकाशिक गुण मतलब
ऑप्टिकल एक्टिविटी या ध्रुवण गुणक कोण भी भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के एनेंशियोमर नहीं है। एनेंशियोमर होते तो प्रकाशी गुण समान होते लेकिन विपरीत होते। इन समावयवियों का समानुक मिश्रण रेसिमिक मिश्रण नहीं होता है। समानुक मिश्रण आपको पता है वो रेसिमिक नहीं होता। रेसिमिक कब होगा? रेसिमिकरण के लिए कंडीशन क्या है? 50% डी होना चाहिए प्लस 50% एल होना चाहिए, वो होता है। लेकिन इसके अंदर तो डाइस्टीरियोमर है, डाइस्टीरियोमर इट्समीन के प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसलिए यह रेसिमिक मिश्रण समाणु मिश्रण जो है वो रेसिमिक नहीं होता है। जबकि दर्पण प्रतिबिंबों का समाणु मिश्रण रेसिमिक मिश्रण बाहरी प्रतिकार की घटना के कारण ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। जबकि हमने एनेंशियोमर के अंदर पढ़ा है कि रेसिमिक मिश्रण क्या होते हैं, जिनमें 50% डी और 50% एल होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण वह ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये तो था विभिन्न समावयवियों के बारे में। अब कई बार एरिथ्रो और थियोपेयर्स के बारे में भी पूछा जाता है। एरिथ्रो और थियोपेयर, ये सवाल भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आपको दो चार संरचनाएं दिखाई जाती है और पूछा जाता है इनमें से एरिथ्रो थियो कौन है। ऐसे प्रकाशिक यौगिक जिनमें दो किरेल केंद्र से संलग्न दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही ओर होते हैं, तो एरिथ्रो, तथा यदि विपरीत होते हैं तो थ्रियो कहलाते हैं। जैसे 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनिक एसिड, एग्जांपल देखिए 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, तो एरिथ्रो मतलब समान समूह। यहां हाइड्रोजन की बात की, अपन मानते हैं समान समूह, या हाइड्रोजन एक ही तरफ हो, कौन से किरेल कार्बन से संलग्न, किरेल केंद्र से संलग्न, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और यदि विपरीत हो तो थ्रियो। तो एग्जांपल देखें, फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं, COH, Cl, Cl, H, H और CH3 जैसे पहली स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मिल गया मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसा दिखेगा? COH, Cl, Cl, H, H, CH3 ये दिखेगा। ये सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर है, असमान। आप देखिए ये दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है, ये दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है, या दोनों क्लोरीन एक तरफ है, या दोनों क्लोरीन एक तरफ है। तो इस प्रकार जब किरेल केंद्र से संलग्न दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही तरफ हो, समान दिशा में हो, तो एरिथ्रो, और यदि विपरीत दिशा में हो तो थ्रियो। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी का, COOH, ये Cl, ये H, ये Cl, ये H और ये CH3, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर। मिरर इमेज देखिए, ये COH, ये Cl इधर नजर आएगा, ये H, ये H इधर नजर आएगा, और ये Cl और ये CH3 और ये आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब देखिए H इधर है, ये H इधर है, विपरीत साइड में है, ये H इधर है, ये H इधर है, ये भी विपरीत साइड में है, और इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, और इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, मतलब समान समूह एक तरफ नहीं है। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? थ्रियो। इसमें आपने देखा एक, ये दो, ये तीन और ये चार,
ये संरचना है एक तीन एक चार, एक तीन और एक चार, दो तीन और दो चार ऐसे जोड़े हैं जो एक दूसरे के ना तो दर्पण प्रतिबिंब है ना ही एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। इट्स मीन ये क्या हो गए, विभ्रम समावेदि। नेक्स्ट वीडियो में हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज एंड फ्लाइंग वेज फॉर्मूला के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।